सारा कागजों में है, ये फ्रॉड है सारा ही, सारा फ्रॉड है। क्षेत्र की एक ही पिछड़ी पंचायत है नालका, और उसमें आज तक बस की सर्विस की कोई सुविधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर अफसरशाही किस कदर हावी है, यह आप दून विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक परमजीत सिंह पम्मी के इन वक्तव्यों से जान सकते हैं। भाजपा विधायक विधानसभा सत्र के दौरान कहते नजर आए कि HRTC अपने समय पर बसें नहीं चला रही है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है, जिसका खामियाजा विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। विधायकों को सबसे अधिक बसों की समस्याओं के फोन आते हैं, लेकिन बसें अभी तक नहीं चली। इससे पूर्व परमाणु में भरे जनमंच में भी मंत्री के समक्ष जनसभा के दौरान लोगों ने कहा कि मंत्री के RM को फोन करने पर भी बस नहीं चली। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता की अफसरशाही कितनी सुनते होंगे, जब माननीयों को नहीं सुना जा रहा है। वहीं दून के विधायक पम्मी ने कहा कि BBN क्षेत्र में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन वह सभी कागजों में है। अब आप सहजता से समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की कितनी पकड़ है, यह आपके विवेक पर है। मान्य अध्यक्ष जी, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखा है, इसमें कहा गया कि BBN के उद्योगों में 60,127 कर्मचारी है। उसमें ये भी कहा गया कि 70% हिमाचलियों को रोजगार देने का प्रावधान था, परंतु प्रदेश के युवाओं के हितों को दृष्टिगत इसको 80% कर दिया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सारा कागजों में है, ये फ्रॉड है सारा ही, सारा फ्रॉड है। 2,500 इंडस्ट्री BBN के अंदर काम कर रही है, और वो क्या करते हैं इंडस्ट्री के लोग कि हिमाचली नौजवान जो जाता है उसका रिज्यूम लेके अपने पास रख लेते हैं, बायोडाटा लेके अपने पास रख लेते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपको इसका मैसेज देंगे, मोबाइल के माध्यम से सूचना देंगे। लेकिन सर वो 10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है, उस बायोडाटा को अपने वो रजिस्टर में दर्ज करके सभी श्रम अधिकारियों का भी बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारा भी बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो नौजवान है उनका भी बेवकूफ़ बनाते हैं। सर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कागजों तक सीमित रह गया है 70% के। इन्होंने आगे जवाब दिया कि हमने तो युवाओं के लिए 80% कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल सर झूठ है। मेरा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर जो उद्योगपति ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन उद्योगों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भी बहुत से रूट ऐसे है जहां बसें नहीं चल रही और लोग फोन कर रहे हैं। सबसे बड़े ज्यादा फोन विधायकों को आते हैं कि यहां बस नहीं आ रही, और आजकल तो स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि जो मेरा प्लेन क्षेत्र है वो तो एक औद्योगिक क्षेत्र है, हर 5 मिनट के बाद बस सर्विस चलती है, चाहे नालागढ़ से बद्दी हो, नालागढ़ से चंडीगढ़ हो, नालागढ़ से बरोटीवाड़ा हो, नालागढ़ से कालका हो, नालागढ़ से पिंजौर हो। लेकिन जो प्लेन जो ऊपर वाला क्षेत्र है मेरा, पहाड़ी क्षेत्र है, जो 50%, वहाँ बसों की बहुत बड़ी कमी है। बहुत बहुत कम बसें, अब भी बहुत कम बसें आ रही हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि जो कोरोना से पहले के रूट है, जो पहले रूट चल रहे थे, उन पे लगातार वो बस चले। कुछ अधिकारी उसमें बहाना लगा देते हैं, लोग बहाना कि वहां सवारी नहीं आ रही। जी सवारी तभी बैठेगी जब हम उसको रेगुलर चलाएंगे। अगर हम एक दिन चला देंगे, 3 दिन नहीं चलाएंगे, तो लोगों के मन में ये हो जाता कि ये बस आनी है या नहीं आनी है, इसलिए वो बस सर्विस नहीं, बस में सवारी कम आती है। तो मेरा निवेदन रहेगा जो महामारी से पहले, कोरोना से पहले रूट है, उनको रेगुलर तरीके से चलाएं, जिससे लोगों को उसमें सुविधा मिल सके।